बजरंगबली आज भी हमारे बीच में मौजूद है। इस बात को लेकर काफी सारी कथाएं, काफी सारे सबूत इस दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस है। लेकिन दोस्तों ब्लरी सत के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने लेकर आ गया हूँ रामायण से जुड़ी हुई कुछ ऐसी हैरान कर देने वाली जानकारियां, जिसे जानने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि बजरंगबली से अगर आप लोगों को मिलना है तो आप लोगों को कहां जाना है। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, लेकिन क्या बजरंगबली से मिलना इतना ज्यादा आसान होगा? फिक्र करने की कोई बात नहीं दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बजरंगबली से मिलने का वो तरीका भी बताने वाला हूं, जिस तरीके को अपनाकर आप स्वयं उनके दर्शन कर सकते हैं। रामायण से जुड़ी हुई कुछ ऐसी हैरान कर देने वाली जानकारी आज आप लोगों को पता चलेगी, जो आप लोगों को आज तक नहीं पता थी, क्योंकि इनका वर्णन हमारी पौराणिक कथाओं में नहीं मिलता। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, सब कुछ पता चलेगा कि आखिर ये कहानियां, ये कथाएं कहां से आई है, कहां से ये वर्णन मिला है, सब कुछ बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए थोड़ी फ्लैशबैक से शुरू करते हैं। दरअसल जब त्रेता युग में भगवान परशुराम, जी हाँ दोस्तों, भगवान विष्णु के एक अवतार भगवान परशुराम ने अपने क्रोध की वजह से, जो कि एक सही भी क्रोध था, मतलब इस दुनिया में बहुत ज्यादा पाप बढ़ गया था, तो उन्होंने जितने भी क्षत्रिय राजा थे उनका विनाश कर दिया था। तो इतने बड़े विनाश के कारण इस पृथ्वी का संतुलन थोड़ा सा बिगड़ सा गया था, और इसी संतुलन को वापस से बनाने के लिए भगवान विष्णु को एक और अवतार लेना था, जो कि था भगवान राम का अवतार। ये एक ऐसा अवतार होने वाला था जो कि अगर पृथ्वी में आता तो इस अवतार को लोग सबसे ज्यादा मानते, मर्यादा पुरुषोत्तम नाम से जानते, जो कि हर एक काम मर्यादा में रहकर ही करते, मर्यादा उनके लिए सब कुछ होती। और बिल्कुल वैसा ही हुआ, भगवान विष्णु ने भगवान राम का अवतार लिया, और उसके आगे की कहानी तो आप सभी लोगों को पता है। दरअसल जब माता सीता का हरण हो गया था तो सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। जितनी भी वानर सेना थी वो ठान चुकी थी कि राम सेतु पुल का निर्माण करके हमें डायरेक्टली लंका में पहुंचना है। लेकिन उससे पहले बजरंगबली माता सीता से मिलने के लिए गए थे, आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है। वो लंका में अशोक वाटिका में माता सीता से मिले और रावण की लंका का दहन किया और वापस लौटे। जैसे ही वो वापस लौटे, इधर राम सेतु पुल का निर्माण होना शुरू हो गया था। माना जाता है कि राम सेतु पुल का निर्माण लगभग 5 दिन में कर लिया गया था। लेकिन दोस्तों क्या आप लोग ये जानते हैं कि रावण की एक बहुत बड़ी सेविका थी, जो कि इस दुनिया की पहली जलपरी मानी जाती है, जी हाँ, जिसका नाम था स्वर्णमचा। स्वर्णमचा रावण की एक बहुत बड़ी सेविका थी। जब रावण को पता चला कि श्री राम की पूरी सेना लंका की तरफ राम सेतु पुल का निर्माण करके पहुंच रही है, तो रावण ने स्वर्णमचा से यह कह दिया कि कैसे भी करके तुम्हें उस पुल का निर्माण होने नहीं देना है, उसमें विघ्न डालना है, रुकावटें पैदा करनी है। स्वर्णमचा ने बिल्कुल वैसा ही किया। स्वर्णमचा जब भी रात होती थी तो राम सेतु पुल का निर्माण जो दिन में किया जाता था ना, उसे ध्वस्त कर देती थी, उसे मिटाने लगती थी। ऐसा लगभग 3 दिन तक हुआ। सभी वानर सेना बहुत ज्यादा परेशान हो गए, और एक दिन बजरंगबली ने सोचा कि मैं रात भर यहां पर पहरा देके देखूंगा कि आखिर ये किसकी शैतानी है। बजरंगबली जागने लगे और पहरा देने लगे, और फिर तुरंत ही स्वर्णमचा चौथी रात को फिर से वो पुल ध्वस्त करने के लिए वहां पर पहुंची। लेकिन जैसे ही उसने बजरंगबली को अपने सामने देखा, वो मंत्रमुग्ध हो गई, उसे बजरंगबली से प्रेम हो गया। दरअसल जितने भी भूत, पिशाच, दानव, शैतान जो भी होते थे, जब कभी भी बजरंगबली के सामने आते थे वो थर थर कांपने लगते थे। लेकिन स्वर्णमचा के साथ ऐसा नहीं हुआ। स्वर्णमचा ने जैसे ही बजरंगबली के रूप को देखा, वो उनके रूप के पीछे प्रेम दीवानी हो गई, और बस बजरंगबली के एक बार कहने पर उसने फिर वापस से पुल के निर्माण में किसी भी तरह का कोई विघ्न नहीं डाला। स्वर्णमचा को बजरंगबली से बहुत ज्यादा प्रेम हुआ था। शायद यही कारण है कि आज भी थाईलैंड और कंबोडिया के लोग स्वर्णमचा को लकी मानते। जी दोस्तों, आप लोगों को यकीन नहीं होगा, स्वर्णमचा की तस्वीरें आपको काफी सारे थाईलैंड और कंबोडिया के घर पर मिल जाएगी। उनका यह मानना होता है कि अगर हम स्वर्णमचा की अपने घर पर तस्वीर लगाते हैं तो हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, और जितने भी कष्ट होते हैं वो हमारे घर से दूर रहते हैं। ये पूरी कहानी का वर्णन हमें थाईलैंड और कंबोडियन वर्जन में मिलता है। स्वर्णमचा के राम सेतु पुल में वापस से विघ्न ना डालने के बाद भगवान श्री राम और उनकी सारी सेना लंका पहुंची। भगवान श्री राम ने रावण का वध किया और माता सीता को भगवान श्री राम वापस लेकर अयोध्या पहुंचे। काफी समय तक अयोध्या में शासन करने के बाद भगवान श्री राम ने अपना देह त्याग कर दिया। बहुत सारे लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि भगवान श्री राम के देह त्याग करने के बाद बजरंगबली का क्या हुआ। दरअसल बजरंगबली भगवान श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे। उनके जितना बड़ा भक्त इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में ना ही कभी हुआ है और ना ही कभी हो सकता है।
देह त्याग करने से पहले बजरंग बली को श्री राम ने ये वरदान दिया था कि वो जब कभी भी पृथ्वी में आएंगे तो वो बजरंग बली को अवश्य दर्शन देंगे। बस तब से ये माना जाता है कि जहां कहीं भी कीर्तन होता है, राम नाम का जाप किया जाता है, भजन होता है, वहां पर भगवान बजरंग बली का पहरा जरूर लग जाता है। माना जाता है कि जिस किसी भी कीर्तन में भगवान राम का नाम लिया जा रहा है वहां पर 100% भगवान बजरंग बली अवश्य होंगे। आनंद रामायण में इस बात का वर्णन मिलता है कि भगवान श्री राम के देह त्याग करने के बाद बजरंग बली ने अयोध्या छोड़ दी और अयोध्या से निकलकर वो सीधे दक्षिण भारत के श्रीमुख पर्वत पर पहुंच गए। श्रीमुख पर्वत बजरंग बली को बहुत ज्यादा प्रिय था क्योंकि यहीं पर वो पहली बार भगवान श्री राम से मिले थे। श्रीमुख पर्वत पर काफी समय तक तपस्या करने के बाद बजरंग बली गंधमाधन पर्वत पर पहुंच गए जो कि हिमालय की पहाड़ियों में स्थित है। सही सुना आप लोगों ने दोस्तों। माना जाता है कि बजरंग बली को अगर कभी भी साक्षात रूप में देखना है तो आप लोगों को गंधमाधन पर्वत जरूर जाना होगा क्योंकि श्रीमुख पर्वत से निकलने के बाद बजरंग बली आज भी गंधमाधन पर्वत पर तपस्या में लीन रहते हैं और समय समय पर जब भी मौका मिलता है वो पृथ्वी में विचरण करने के लिए जरूर आते हैं। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जहां कहीं भी कीर्तन होता है, राम नाम का जाप किया जाता है, उनका भजन किया जाता है, वहां पर बजरंग बली स्वयं प्रेजेंट रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बजरंग बली स्वयं आते हैं, उनकी एक शक्ति आती है, उनका एक अंश आता है। और जब आप सभी लोगों ने और बहुत सारे लोगों ने ये जान ही लिया है कि बजरंग बली आज भी गंधमाधन पर्वत में रहते हैं तो काफी सारे लोग और आप लोग बजरंग बली को देखने क्यों नहीं चले जाते। बहुत सारे लोग तो ये भी बोल रहे होंगे कि भाई तुमने तो देख ही लिए होंगे ना, तभी तो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो। लेकिन दोस्तों बजरंग बली को देखना इतना ज्यादा भी आसान नहीं है क्योंकि बजरंग बली का तेज इतना ज्यादा हो सकता है और हो सकता है क्या होगा ही कि कोई भी आम इंसान अगर डायरेक्टली उनकी इच्छा के बिना उन्हें देख लेगा तो उसका बहुत बड़ा भुगतान, उसको बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि हमारे अंदर वो शक्ति हो ही नहीं सकती कि हम उनके तेज को सहन करें। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि ऐसे वो कौन से तरीके होते हैं जिन तरीकों की मदद से आप वो शक्ति अपने अंदर पैदा कर सकते हैं दोस्तों। और जैसे कि हम बात अभी रामायण की कर रहे थे तो रामायण की बात को लेकर मेरे दिमाग में एक बहुत ही गहरी चीज आई दोस्तों। रामायण से हमें त्याग, मर्यादा और भक्ति के साथ साथ बहुत बड़ी बड़ी सीख मिलती है और उनमें से एक है काल गीता जो कि हमारी बड़ी बड़ी कठिनाइयों से लड़ने में और उनसे बाहर निकलने में काफी ज्यादा मदद करती है। आप इस ऑडियो बुक को और ऐसी और भी ऑडियो कंटेंट जैसे चाणक्य की नीति और स्वामी विवेकानंद की बायोग्राफी जैसी चीजों को बड़ी आसानी से कुकू FM में सुन सकते हैं। कुकू FM एक ऐसा ऑडियो पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म है जहां पर 1000 से ज्यादा घंटे के कंटेंट डले हुए हैं। आप बड़ी ही आसानी से इसमें मौजूद काफी सारी ऑडियो बुक्स को अलग अलग रीजनल लैंग्वेज में सुन सकते हैं और मेरे हिसाब से किसी भी चीज को सुनना किसी भी चीज को पढ़ने के कंपैरिजन में ज्यादा बेहतर होता है। और तो और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि अगर आप किसी चीज को सुनते हैं तो वो चीज आप लोगों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आती है और याद भी रहती है एज कम्पेयर टू अगर आप किसी चीज को पढ़ते हैं। मैं तो किसी भी किताब को सुनना ज्यादा बेहतर मानता हूं क्योंकि ये काम आप कोई भी और काम करते करते बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अभी तो कुकू FM में एक कमाल का ऑफर भी चल रहा है कि अगर आप लोग मेरा कूपन कोड BS20 यूज करते हैं तो आप लोगों को इसका एनुअल सब्सक्रिप्शन ₹319 मिल जाएगा जो कि नॉर्मली 399 का होता है लेकिन मेरा कूपन कोड यूज करने में आप लोगों को मिलेगा टोटल 20% का डिस्काउंट। मतलब दिन के ₹1 से भी कम, कितनी ज्यादा कमाल की बात है ना कि आपको ऐसी ऐसी जानकारियां मिल जाएगी एक ऐसे ऐप की मदद से जहां पर आप लोगों को दिन के ₹1 से भी कम देने पड़ रहे हैं। तो भाई इंतजार किस बात का, कुकू FM की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एक बार जरा यूज करके तो देखना। खैर अभी आते हैं वापस से अपने टॉपिक पर। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि बजरंग बली आज भी गंधमाधन पर्वत पर रहते हैं लेकिन उनसे मिलना इतना ज्यादा आसान नहीं है। दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि बजरंग बली से मिलने का एक तरीका है जिस तरीके के तहत आप लोगों को बहुत ही बड़े स्तर पर जाना पड़ेगा और वो स्तर होगा आध्यात्मिकता का एक बहुत बड़ा स्तर जहां पर आप लोगों को बजरंग बली को दिल से याद करना होगा और दिल से अपना सब कुछ मानना होगा। इस दुनिया के जितने भी भोग विलास और ऐश्वर्य है उसका त्याग करना होगा। कम से कम 11 साल का ये सब का त्याग करने के बाद आप सभी लोगों को एक ऐसी जगह पर जाना होगा जो जगह किसी भी इंसानी पहुंच से लगभग लगभग 21 किलोमीटर की दूरी पर होगी, यानी कि उस जगह के 21 किलोमीटर के दायरे में कोई भी इंसान नहीं होना चाहिए। मतलब आपने 11 साल तक सब कुछ चीजों का त्याग कर दिए, उसके बाद आप एक ऐसी जगह पर गए जहां पर 21 किलोमीटर की सीमा पर कोई और इंसान नहीं है। वहां पर आप लोगों को पहुंचकर एक साधना करनी पड़ेगी जिस साधना में आप लोगों को बजरंग बली के एक मंत्र का उच्चारण करना होगा।
वो मंत्र अभी आप लोगों को वीडियो के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस मंत्र का उच्चारण करने के साथ साथ आप सभी लोगों को बजरंगबली को दिल से याद करना होगा। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र के काफी समय तक सच्चे दिल से और सच्चे नियम से उच्चारण करने के बाद बजरंगबली काफी सारे लोगों को दर्शन देते हैं। कलयुग में भी काफी सारे लोग ऐसे आए हैं, जैसे कि तुलसीदास आए हैं, माध्वाचार्य आए हैं और भी काफी सारे लोग आए हैं जिन्होंने ये दावा दिए हैं कि बजरंगबली से उनकी भेंट हुई है। इनके साथ साथ मतंग कबीला, जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका में एक पिद्रू पर्वत नाम का इलाका है, उस पर्वत के इलाके में कबीले के लोग रहते हैं जिनका नाम है मतंग कबीला। जी हाँ दोस्तों, मतंग कबीले के लोग बजरंगबली के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे और एक बार बजरंगबली ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया और कहे कि तुम्हें क्या वरदान चाहिए, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ। तो उन्होंने कहा कि बजरंगबली, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपसे हमें आत्मज्ञान चाहिए। दरअसल आत्मज्ञान एक ऐसी चीज होती है जिसकी मदद से भविष्य, प्रेजेंट और पास्ट का क्लियरली पता लगाया जा सकता है। जिस किसी भी इंसान को आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए, उसे सब कुछ पता चल जाएगा, ये दुनिया कैसे बनी, ये दुनिया कैसे चल रही है, ये दुनिया कैसे नष्ट होने वाली है, आत्मा क्या है, इंसान क्या है, परमात्मा क्या है, उसे सब कुछ पता चल जाएगा। माना जाता है कि बजरंगबली ने आत्मज्ञान इस कबीले के लोगों को दिया था और फिर वो कबीले के लोगों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया। वो लोग बजरंगबली के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे, इसी वजह से बजरंगबली से उन्होंने एक और प्रार्थना की और वो प्रार्थना ये थी कि हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपको जब भी मौका मिले, आप समय समय पर हमारे कबीले पर आइए और जो हमारे आने वाली पीढ़ी होगी उन्हें भी ये ज्ञान दीजिए। तो बजरंगबली ने प्रसन्न होकर उन्हें ये भी आशीर्वाद दिया था कि मैं हर 41 साल में तुम्हारे कबीले में आऊंगा और आत्मज्ञान के बारे में लोगों को बताऊंगा। माना जाता है कि मतंग कबीले के लोग जब से बजरंगबली से मिले थे तब से लेकर आज तक हर एक चीज किताब में लिखते जाते हैं, एक ऐसी किताब जिसकी भाषा किसी को समझ में नहीं आ सकती। दरअसल इसमें लिखी हुई जानकारी केवल और केवल उनको ही समझ में आ सकती है जिन्होंने ये चीज लिखी है, क्योंकि मतंग कबीले में एक ऐसी भाषा चलती है जो कभी कोई समझ ही नहीं सकता। माना जाता है कि वो किताब साइंटिस्ट को, शोधकर्ताओं को मिल गई है और उसके ऊपर काफी सारे शोध चल रहे हैं और उन्हीं शोधों की मदद से अब तक ये बात क्लियर हो पाई है कि बजरंगबली उनके सामने आए थे, हर 41 साल में आते हैं, उन्हें आत्मज्ञान के बारे में बताए थे और काफी कुछ समझा जा चुका है। लेकिन काफी सारे शोधकर्ताओं और इतिहासकारों का ये मानना है कि अगर इस बुक को पूरी तरह से डिकोड कर लिया गया तो इस दुनिया का बहुत कुछ बदल सकता है, शायद बहुत सारे इतिहास के पन्ने बदल सकते हैं, भविष्य बदल सकता है और ना जाने कितने बड़े बड़े चेंजेस इस दुनिया में आ सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने अभी जाना कि बजरंगबली जिस प्रकार से अपने भक्तों को कभी भी रुष्ट नहीं करते हैं, उसी प्रकार से बजरंगबली के भगवान भी उन्हें कभी रुष्ट नहीं करते हैं। जैसे कि भगवान श्री राम ने देह त्याग करने से पहले बजरंगबली को ये आशीर्वाद दिया था कि वो जब कभी भी पृथ्वी में आएंगे उन्हें श्री राम के रूप में जरूर दर्शन देंगे। तो माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के सामने एक बार बहुत ज्यादा आग्रह करने की वजह से भगवान श्री कृष्ण, दाऊ बलराम और राधा रानी ने भगवान राम, भगवान लक्ष्मण और माता सीता के रूप में बजरंगबली को दर्शन दिए थे। उसके बाद ना जाने कितनी ऐसी और भी पौराणिक कथाएं सामने आई है जहां पर यह साफ साफ वर्णन मिलता है कि बजरंगबली के सामने श्री राम दर्शन देने के लिए जरूर पहुंचे हैं और बजरंगबली भी उन्हीं की तरह ही अपने भक्तों को भी दर्शन देने के लिए हमेशा हमेशा पहुंचे हैं। इस वीडियो के खत्म होने से पहले केवल एक ही बात कहूंगा दोस्तों, इस वीडियो कमेंट सेक्शन भर डालिए जय श्री राम जय बजरंगबली लिखकर, इस वीडियो को फैला डालिए ताकि सभी लोगों को ये अनोखी जानकारी मिल पाए। अगर आप लोगों को भी ये अनोखी और अलौकिक जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को कहा, मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहता हूं। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, मेरी क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। तो चलिए कल फिर से एक और कमाल की जानकारी या कहानी के साथ आप लोगों के सामने जाहिर हो जाएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।